कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स को ममता बनर्जी ने सोमवार को बातचीत का आखिरी मौका दिया है। बंगाल सरकार ने जूनियर डॉक्टर्स को आज शाम 5 बजे मुलाकात के लिए बुलाया है। डॉक्टर्स की ओर से कोई बयान नहीं आया। ये बातचीत का 5वां बुलावा है। इससे पहले 4 बार मीटिंग तय हो चुकी है। 14 सितंबर को मुख्यमंत्री ममता खुद डॉक्टर्स के प्रदर्शन स्थल पर गई थी और बातचीत के लिए कहा था। डॉक्टर मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोग्राफी को लेकर अड़े हुए हैं। बंगाल सरकार ने कहा कि वीडियोग्राफी और लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जाएगी। डॉक्टर्स के मेंबर्स की संख्या 30 नहीं बल्कि 15 रहेगी। अर्जुनगढ़ मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के रेप मर्डर के बाद लगातार 38 दिन से जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। उन्होंने सुरक्षा मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के इस्तीफे समेत 5 मांगे रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि डॉक्टर्स प्रदर्शन खत्म कर काम पर लौटे। वहीं आपको बता दें, ममता ने पहले 4 बार बुलाया था, इंतजार करती रही, डॉक्टर्स नहीं पहुंचे। पहले 10 सितंबर को डॉक्टर्स ने पुलिस मुख्यालय से स्वास्थ्य भवन तक मार्च निकाला। ममता सरकार ने शाम 5 बजे डॉक्टरों को मीटिंग के लिए बुलाया गया। ममता लगभग 1 घंटा 20 मिनट तक वहां बैठी रही, डॉक्टर्स नहीं आए। वहीं 11 सितंबर जूनियर डॉक्टर ने बंगाल सरकार को मेल भेजकर मीटिंग का समय मांगा। सरकार ने शाम 6 बजे का समय दिया। हालांकि डॉक्टर्स मीटिंग के लिए अपनी 4 शर्त पड़े रहे, सरकार ने शर्तें मानने से साफ इनकार कर दिया। वहीं 12 सितंबर बंगाल सरकार ने डॉक्टर्स को तीसरी बार बातचीत करने बुलाया। 32 डॉक्टर सचिवालय पहुंचे, सरकार ने सिर्फ 15 को बुलाया था। उन्हें बताया गया कि बैठक का लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा। इससे डॉक्टर आक्रोशित हो गए और बैठक में नहीं गए। वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2 घंटे 10 मिनट तक उन लोगों का इंतजार करती रही। वहीं 14 सितंबर ममता ने 15 डॉक्टरों को के डेलीगेशन को मीटिंग के लिए सीएम हाउस बुलाया, लेकिन उन्होंने मीटिंग के लाइव टेलीकास्ट करने से मना कर दिया। ऐसे में डॉक्टर ने सीएम आवास में दाखिल होने से मना कर दिया। ममता बनर्जी घर के दरवाजे पर खड़े होकर उनका इंतजार करती रही। देर रात को ममता उनके पास पहुंची और कहा कि चर्चा की बातें रिकॉर्ड की जाएंगी, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जा सकती क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ममता ने यह भी कहा कि आपकी सभी मांगे मानव संभव नहीं है। 100 न्यूज की रिपोर्ट।